दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कल मतलब 5 फरवरी के दिन लखनऊ के शहर उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन समारोह हुआ और इसके साथ साथ 5 दिन लंबे चलने वाला एशिया और इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस एग्जीबिशन का भी शुरुआत हो गया। दोस्तों इस बार डिफेंस एक्सपो में 40 से अधिक देशों का 1000 से अधिक कंपनी पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि इंडिया के तरफ से भी बहुत सारा कंपनी और स्टार्टअप के साथ साथ स्टेट रन ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे इक्विपमेंट का प्रदर्शनी लगाया गया। पर पहले दिन की शुरुआत में ही सबके नजर ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से बनाया गया एक नया असॉल्ट राइफल के ऊपर गया। दावा ये किया जा रहा है कि ये असॉल्ट राइफल कलाश्निकोव कंपनी द्वारा बनाया हुआ AK-203 असॉल्ट राइफल के बराबर है। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं ये नया असॉल्ट राइफल के बारे में। इंडिया के ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा रशिया के कलाश्निकोव कंपनी के मदद से उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफलों को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया जा रहा है। पर डिफेंस एक्सपो का शुरुआती के दिन मतलब 5 तारीख के दिन ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तरफ से ऑलरेडी इस्तेमाल होने वाला एक नया असॉल्ट राइफल को दुनिया के सामने लाया गया। ऑर्डनेंस फैक्ट्री के तरफ से फुल्ली इंडिजिनियस तरीके से बनाया हुआ ये असॉल्ट राइफल का नाम त्रिची असॉल्ट राइफल दिया गया है। ऑर्डनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में बनाया हुआ ये असॉल्ट राइफल का दूसरा नाम टार असॉल्ट राइफल भी है। बताया जा रहा है कि ये असॉल्ट राइफल को AK-203 असॉल्ट राइफल के तर्ज पे ही बनाया गया है और हूबहू ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो AK-203 असॉल्ट राइफल में है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि टार असॉल्ट राइफल में AK-203 असॉल्ट राइफल जैसे पिकेटनी रेल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके मदद से रिफ्लेक्टर या फिर लेजर डिजिग्नेटर को फिक्स्ड किया जाता है। जबकि इसके अलावा टार असॉल्ट राइफल को ठोस धातु से बनाया गया है, जबकि AK-203 असॉल्ट राइफल को शीट मेटल से डिजाइन किया गया। फिर भी टार असॉल्ट राइफल AK-203 असॉल्ट राइफल से ज्यादा मजबूत है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न कंट्रियों में भी शीट मेटल से असॉल्ट राइफल को डिजाइन करने से हटके अब ठोस धातु से डिजाइन किया जा रहा है। AK-203 असॉल्ट राइफल को उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित कोरोवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, जिसे इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के तहत गठन किया एक कंपनी में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रशिया के कलाश्निकोव और रोसावरन एक्सपोर्ट के बीच में जॉइंट वेंचर में गठन किया गया है, जिसके द्वारा करीबन 7 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रशिया दौरे के समय दोनों देशों के बीच में ये जॉइंट वेंचर का शुरुआत किया गया था। जबकि AK-203 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस के तरफ से दिया जा चुका है, इसीलिए माना जा रहा है कि टार असॉल्ट राइफलों को पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका कुछ संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर दिया गया है। ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो इंसास राइफलों को भी डेवलप किया था, इंसास राइफल के बजाय से आर्म फोर्सेस में उसका दर्जा कम हो गया था, माना जा रहा है कि टार राइफल आने के बाद ये दर्जा और थोड़ा ऊपर उठेगा। जबकि आर्म फोर्सेस के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, वहीं पे माना जा रहा है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से टार राइफलों को पैरेलली पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो इन राइफलों को डिजाइन किया है, उनका कहना है कि इस साल के अंदर ही टार राइफलों का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और इसी साल CRPF की तरफ से 40,000 असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। CRPF टार राइफलों का प्रमुख विक्रेता होगा। टार असॉल्ट राइफलों को अगर AK-47 और AK-203 असॉल्ट राइफल के साथ कंपेयर किया जाए तो तीनों राइफल का ही रेट ऑफ फायरिंग 600 राउंड पर मिनट है, जबकि मजल वेलोसिटी करीबन 700 से 715 मीटर पर सेकंड है। इसके अलावा तीनों राइफल द्वारा ही 350 मीटर की दूरी तक इफेक्टिवली टारगेट को हिट किया जा सकता है, जबकि असॉल्ट राइफल के इफेक्टिव रेंज डिपेंड करता है राइफल के बैरल लेंथ और राइफल में इस्तेमाल होने वाला गोलियों का कैलिबर के ऊपर। तीनों असॉल्ट राइफल का ही बैरल लेंथ 415 मिलीमीटर है, जबकि तीनों राइफल में ही 7.62x39 कैलिबर का बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन बुलेटों का प्रोडक्शन भुसावल के पास स्थित बारगांव ऑर्डनेंस फैक्ट्री में बनाया जाएगा, जबकि इन एमुनेशन को ही AK-203 असॉल्ट राइफल में भी इस्तेमाल किया जाएगा। सोर्सेस का ये भी कहना है कि आर्मी के जरूरत के मुताबिक इन असॉल्ट राइफलों का रेंज भी परफेक्ट है, जबकि सोर्सेस का ये भी कहना है कि जरूरत को देखते हुए AK-203 असॉल्ट राइफल में जो पिकेटनिक रेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे भी टार राइफल में इंस्टॉल किया जाएगा। टार राइफलों को इनिशियली आर्मी को ऑफर किया गया था, जबकि आर्मी के तरफ से इन राइफलों को लेके कुछ संशोधनों का सजेशन किया गया, पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के तरफ से इन राइफलों को परखने के बाद इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तरफ से राइफलों को परखने के लिए एक राइफल का लाइफ साइकिल में 15,000 राउंड फायर किया गया और माना जा रहा है कि इन राइफलों का एवरेज लाइफ साइकिल राउंड है 2400 राउंड। पैरामिलिट्री फोर्स के लिए CRPF का गुड़गांव स्थित बेस में इसका परीक्षण किया गया था। इन परीक्षणों के बाद CRPF द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला बल्गेरियन AK-47
47 असॉल्ट राइफलों को टार राइफलों द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। इन साइज 5.56 को आर्मी के द्वारा रिजेक्ट करने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तरफ से इन राइफलों का रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा था। आर्मी का कहना है कि इंसास राइफल में जो 5.56 का एमुनेशन इस्तेमाल किया जाता है, इसका डैमेज कैपेबिलिटी इतना नहीं है और ये दुश्मन को मारने के बजाय दुश्मन को खाली घायल करता है। इसी वजह से टार राइफलों को 7.62 एमुनेशन के साथ डिजाइन किया गया ताकि ये आसानी से दुश्मन को मार सके। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबके बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।